हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सारा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओनली बू सीरीज के एपिसोड 9 के पार्ट 2 को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। और अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पायोस के कंधे की मसाज कर रहा होता है क्योंकि वो पूरे रास्ते पायोस के कंधे पर सो कर आया होता है। तो पायोस उसे ये सब करने से मना कर देता है और उससे बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। इधर मो भी कैंग के साथ वहाँ पर आ जाता है। कैंग उससे पूछता है कि आज रात को तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए बना कर रखूंगा। तो मो उससे बोलते हैं कि उसे काई पालो खाना है। कैंग उससे बोलता है कि तुम एक ही डिश खा खा कर बोर नहीं होते। तो मो उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ काई पालो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे पूरी जिंदगी खा सकता हूँ। फिर कैंग उससे बोलता है कि अच्छा सुनो, आज रात को मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, दरअसल मुझे वापस रेस्टोरेंट जाना है। तो मो उसे बोलते है कि लेकिन क्यों, क्या तुम रुक नहीं सकते, कुछ दिन और रुक जाओ ना। तो कैंग उसे बताता है कि उसने कई दिनों से रेस्टोरेंट बंद कर रखा है क्योंकि उसकी मॉम मेरी ट्रिप पर गई होती है। अगर वो और कुछ दिन तक रेस्टोरेंट क्लोज रखता तो उसके कस्टमर्स भड़क जाते और कंप्लेन करने लगते, इसलिए वो वापस जाना चाहता था। मो बोलते है कि ठीक है। फिर वो जाने से पहले उसे हग मांगता है तो कैंग उसे मना करता है। फिर बाद में वो उसे हग कर लेता है। उन दोनों को हग करते हुए फर्न और जैंग देख लेते हैं। मो कैंग को बाय बोलकर अंदर चला जाता है। जैंग फर्न से बोलता है कि वो पहले अंदर जाए, बाद में वो आ जाएगा। तो फर्न सभी कंटेस्टेंट को लेकर मीटिंग रूम के अंदर आ जाती है। इधर जैंग कैंग के पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाता है। जैंग कैंग से उसका मो के साथ रिलेशन और उसका नाम पूछता है। तो कैंग उसे बता देता है कि मेरा नाम कैंग है और मैं मो का दोस्त हूँ। जैंग उससे बोलते है कि तुम मो के काफी क्लोज लगते हो, तुम उसके काफी क्लोज हो है ना। तो कैंग उससे बोलता है कि हाँ मैं हूँ, क्यों कोई बात है क्या। तो जैंग उससे बोलता है कि अब से तुम दोनों अगर एक दूसरे से मिलना तो थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि तुम दोनों को साथ में देखकर लोगों को गलत फहमियाँ हो सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि मो के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। कैंग को ये सब वॉर्न करने के बाद जैंग वहां से चला जाता है। फिर जब वो मीटिंग रूम में आता है तो वहां पर उपस्थित सभी कंटेस्टेंट को वो वेलकम करता है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए अपना बेस्ट ट्राई करने को बोलता है। फर्न न्यू वेव प्रोजेक्ट की प्रोड्यूसर होती है, वो उन्हें बताती है कि आज उन लोगों की सिंगिंग और डांसिंग स्किल का टेस्ट लिया जाने वाला है ताकि उन्हें पता चल सके कि किस एरिया पर वर्क करना है। उसी हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और हर हफ्ते उनका टेस्ट होगा और स्कोर रेटिंग दी जाएगी जो कि परसेंटेज में होगा। वहाँ पर एक लड़का मो को घूर घूर कर देखे जा रहा होता है। वो फर्न से पूछता है कि जो स्कोर उन्हें मिलेगा वो जजेस देंगे या फिर व्यूअर्स। तो फर्न उसे बताती है कि 30% स्कोर सोशल मीडिया के द्वारा व्यूअर्स देंगे और 70% स्कोर जजेस देंगे। इस पर वो लड़का बोलता है कि इसमें कोई नेपोटिज्म तो नहीं होगा ना, और ये बात वो मो की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है। फर्न उसे बताती है कि जो भी स्कोर होंगे वो उन्हें रियल टाइम में ही दिखा दिया जाएगा। तभी टे मो से पूछता है कि मो क्या तुम सामने वाले उस लड़के को जानते हो, वो तुम्हें कब से घूर कर देख रहा है। तो मो बोलता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता, पर मैंने भी नोटिस किया कि वो मुझे घूर घूर कर देखे जा रहा है। इधर कैंग शोन से मिलने आया होता है क्योंकि शोन ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। शोन कब से उसके बैग को देखे जा रहा होता है। कैंग उससे बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। तो शोन उससे बोलता है कि वो मैं कब से सोच रहा था कि तुम्हारे बैग पर जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तो कैंग उससे बोलता है कि ये तो मो ने मेरे लिए बनाया था, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, तुम खुद उसी से पूछ लेना। दरअसल उस पर जो लिखा होता है उसका मतलब लव यू कैंग होता है, पर कैंग ये सब बताने से शाय फील कर रहा होता है। सोन उससे बोलता है कि वो बिना एकदम प्यार में पागल हो गया है ना, अब देखो ना उसने तुम्हारे लिए ये बैग भी बनाया है, लेकिन प्यार में इतना पागलपन भी हमेशा अच्छा नहीं होता, मुझे तुमसे इसी बारे में बात करना था। कैंग उससे पूछता है कि क्या बात है, मो ने क्या किया। तो शोन उससे बोलता है कि आंटी राव ने मुझे बोला है कि मैं उसे वॉर्न कर दूं कि वो तुम्हारे बारे में या फिर तुम्हें सोशल मीडिया पे कहीं भी पोस्ट ना करे क्योंकि जल्दी ही वो फेमस होने वाला है और वो एक आर्टिस्ट बन जाएगा। उसके बाद से उसकी प्राइवेट लाइफ में जो भी कुछ होगा लोग उसके बारे में बातें करेंगे और तुम्हारे बारे में अगर उसने कुछ भी पोस्ट कर दिया तो भले ही टाइम कितना भी बीत जाए कुछ बैड इंटेंशन वाले लोग होंगे जो उसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आंटी राव ने मुझे बोला था कि मैं मो को वॉर्न कर दूं, लेकिन मो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा क्योंकि वो बहुत जिद्दी है, इसलिए प्लीज कैंग मेरी हेल्प करो। कैंग उससे बोलता है कि वो मो से इस बारे में बात करेगा। दूसरी तरफ हम मो को देखते हैं जो कि वोकल क्लास में अपना वोकल टेस्ट दे रहा होता है। स्कोर की बात करें तो उसे 90 points यानी कि ए ग्रेड मिलता है। फिर जब टे का टेस्ट लिया जाता है तो वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए उसे 60 points यानी कि सी ग्रेड मिलता है।
वोकल क्लास खत्म होने के बाद उन्हें एक्टिंग क्लास में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनको वॉक करके दिखाना होता है। यही उनका टेस्ट होता है। वॉक करते वक्त वो लड़का जो मुंह से चिल रहा होता है उसे धक्का दे देता है। वो को ये काफी अजीब लगता है पर वो उसे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद उन्हें डांस क्लास में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो लोग उनसे डांस करवा के उनका डांस टेस्ट लेते हैं, जिसमें वो लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पायोस और मो को काफी अच्छे नंबर मिले होते हैं, तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं डे जब अपना स्कोर देखते हैं तो उसकी खुशी तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे स्कोर नहीं मिले होते, इसलिए वो उदास होकर अकेले बैठ जाता है। फिर वहां पर थोड़ी देर बाद मो आता है, जो उसे ड्रिंक देता है। वो उसे बोलता है कि तुम इतने उदास क्यों हो। डे उसे अपना स्कोर दिखाता है। उसे तीनों टेस्ट में सी ग्रेड मिले होते हैं। वो उसका स्कोर देखकर चौंक जाता है। डे मो का स्कोर देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलते हैं कि वाओ, तुमने काफी अच्छे स्कोर किए हैं। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। वो लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लड़का मिलता है, जो कि मो को जानबूझकर फिर से धक्का मार देता है। ये देखकर टे भड़क जाता है और वो उससे लड़ने चला जाता है। तभी मो उसे शांत कराता है और खुद उससे बात करने लगता है। वो उस लड़के से बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुमने एक्टिंग क्लास में भी मुझे ऐसे ही धक्का मारा, तुम आखिर चाहते क्या हो। तो वो लड़का बोलता है कि वो तो मैं बस चेक कर रहा था कि तुम वही हो ना, मुझे पता है कि तुम मिस डाओ यानी कि जीपी एंटरटेनमेंट के ऑनर जो है उनके बेटे हो। फिर वो मो का स्कोर कार्ड लेकर देखने लगता है। वो देखता है कि मो को सिंगिंग में ए ग्रेड मिले हैं। तो वो उससे बोलता है कि ओ वाओ, सिंगिंग के लिए ए ग्रेड, पक्का जरूर तुम्हारी मॉम ने जजेस से बात की होगी, तभी तुम्हें ए ग्रेड मिला है। अपनी फ्रेंड की इंसल्ट होते देखकर टे एकदम भड़क जाता है और वो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी वो उसे पकड़कर रोक लेता है और उसे शांत कराता है। वो लड़का जब देखता है कि टे को सभी में सी ग्रेड मिला है तो वो उसकी भी इंसल्ट करने लगता है और बोलता है कि मुझे तो लगा कि तुम लोगों में टैलेंट है, लेकिन तुम लोग तो एकदम बेकार हो। फिर वो उन्हें अपना स्कोर दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो, ये है रियल डील, ए ए और ए, मुझे तीनों टेस्ट में ए ग्रेड मिले हैं। समझ आया यू लूजर्स। इतना बोलने के बाद वो इतराते हुए वहां से चला जाता है। टेको उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आया होता है कि वो मो से बोलते हैं कि ये अपने आप को समझता क्या है, इसका चेहरा देख के ही मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। मो, अगर अगली बार ये तुम्हारे पास आए ना तो प्लीज मुझे बताना, मैं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। मो नोटिस करता है कि टे आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मैं देख रहा हूँ कि आज सुबह से ही तुम्हारा मूड एकदम उखड़ा उखड़ा है। तो दरअसल टे इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि पायोस उसे इग्नोर कर रहा होता है। वो मो को बताता है कि आज सुबह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है पायोस मुझे इग्नोर किया जा रहा है, वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उस जैंग से बात कर रहा है। अब तुम ही बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या। वो उससे बोलते हैं कि तुम ठीक से सोच के बताओ कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। तो टे उससे बोलते हैं कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि पायोस मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो मो उससे बोलता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम जेलस हो। तो टे उससे बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं और पायोस काफी लंबे समय से दोस्त हैं, मैं भला अपने फ्रेंड के लिए क्यों जेलस फील करूंगा। तो मो उससे बोलता है कि हाँ, तुम दोनों काफी लंबे समय से दोस्त हो, इसलिए तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में तुम अच्छे से सोच कर जवाब देना, जब तुम उसके साथ रहते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं। टे बोलता है कि हाँ लगता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि और जब वो किसी और से बात करते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है कि नहीं। तो टे बोलते हैं कि हाँ बुरा लगता है। फिर वो उससे बोलता है कि और तुम चाहते हो कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहे, है कि नहीं। तो टे बोलता है कि हाँ मैं चाहता तो हूँ। तो मो उससे बोलते हैं कि क्या इतना सब होने के बाद भी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। इस पर टे उससे बोलता है कि वो और पायोस काफी लंबे समय से एक दूसरे के दोस्त हैं, इसीलिए वो अपने फ्रेंड के लिए पॉजिटिव फील करता है और मो जैसा बोल रहा है वो पायोस के लिए वैसा कुछ फील नहीं करता। तो मो उसे एडवाइस करता है कि एक काम करो, तुम पायोस के साथ अब कुछ ऐसी चीजें करो जो फ्रेंड्स नहीं करते, तब तुम क्लियर कर पाओगे कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी अपने घर जा रहे होते हैं। सिर्फ टे और पायोस दो ऐसे लोग होते हैं जिनका बैंकॉक में ना कोई घर होता है और ना ही कोई रिलेटिव रहने वाला होता है, इसलिए जैंग टीम से बात करके कंपनी की तरफ से उनके लिए रूम अवेलेबल करवा देते हैं। टे और पायोस को एक ही रूम शेयर करना होता है, इसलिए टे पायोस से पूछ लेते हैं कि उसे रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो पायोस उसे बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दोनों उस रूम में आ जाते हैं जो उनको अलॉट हुआ था। टे अपने डैड को इन्फॉर्म कर देता है कि कंपनी की तरफ से उसे रूम मिल गया है, इसलिए वो रात को घर नहीं आ पाएगा। वहीं उसके डैड को जरा भी याद नहीं होता कि टे वहां पर क्यों गया है और क्या करने गया है। तो वो उन्हें बताता है कि आर्टिस्ट ट्रेनिंग के तौर पे वो यहाँ रह रहा है। फिर उसके डैड बिजी होते हैं तो वो फोन काट देते हैं। टे पायोस से बोलता है कि मेरे डैड ने फोन काट दिया, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो पायोस उससे बोलता है कि वो बिजी होंगे इसलिए उन्होंने फोन काट दिया।
टे उससे बोलता है कि तुम बेड चूज कर लो कि तुम कौन से बेड पे सोओगे। तो पायोस उससे बोलता है कि वो बंक बेड पर ऊपर वाले बंक पर सोना चाहता है। टे उससे बोलता है कि तुम नीचे वाले बेड पर सो जाओ और मैं सिंगल बेड पर सो जाऊंगा ताकि हम दोनों आराम से एक दूसरे से बात कर सकेंगे। तो पायोस उसे बोलता है कि उसे ऊपर वाले बंक पर सोना ट्राई करना है क्योंकि वो पहले कभी नहीं सोया। टे के मना करने के बाद भी वो ऊपर चढ़ रहा होता है। इसी दौरान उसका पैर डिसबैलेंस होता है और वो गिरने गिरने जैसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो गिरने लगता है टे जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं और दोनों वही सिंगल बेड पर गिर जाते हैं। दोनों के बीच में एक स्वीट सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इधर कैंग नाखून पैथम वापस जा रहा होता है। वो उसे हग कर लेता है और वो उसे रोकने लगता है कि वो ना जाए। तो कैंग उससे बोलता है कि उसे रेस्टोरेंट ओपन करना है, उसे जाना पड़ेगा। फिर 2 दिन बाद वो उसके पास वापस आ जाएगा। वो उससे बोलता है कि ठीक है तो तुम जाओ और जाकर वहां से सब कुछ ले आना। तुम अपना घर, अपना बाइक सब उठाकर यहीं पर ले आना ताकि तुम यहाँ मेरे साथ रह सको। मो की मासूमियत भरी बात को सुनकर कैंग को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलते है कि ठीक है। फिर मो खाना खाने बैठ जाता है। कैंग ने उसके कहे अनुसार काई पालो खाने के लिए बनाया होता है। वो खाना खाते ही बोलता है कि एक बाइट खाते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। तो यहाँ पर कैंग उसे अपने साथ वाली वीडियो क्लिप को डिलीट करने के लिए बोलता है। तो मो उससे बोलते है कि क्यों, उसे डिलीट करने की क्या जरूरत है। तो कैंग उससे बोलता है कि तुम्हें अपनी मॉम और शॉन की बात सुननी चाहिए, तुम उस क्लिप को डिलीट कर दो। तो मो उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग आजकल के समझदार हैं, वो मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे वर्क को सेपरेट रख सकते हैं। कैंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझेंगे, पर मो अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार होता है। वो बोलता है कि अगर कोई ड्रामा होगा तो मैं उसे फेस करने के लिए तैयार हूँ और तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ते, तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, किसी से भी लड़ सकता हूँ। तो कैंग उससे बोलता है कि लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार और इस बारे में अच्छे से सोच लेना, बड़े जो भी कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं और तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। वो बोलता है कि लेकिन वीडियो को ना डिलीट करने के पीछे मेरा भी एक रीजन है और तुम अब इस बारे में बात करना बंद करो ना, मुझे अच्छे से अपना डिलीशियस सा काई पालो शांति से खाने दो। तो कैंग उससे बोलता है कि ठीक है और साथ में तुम क्या ड्रिंक करोगे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। तो मो बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं और वो खुद ही जाकर फिर से एक कोल्ड ड्रिंक निकाल कर लाता है और फिर उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। फिर वो कैंग से उसका नाक बंद करवाता है और वो ड्रिंक उसे पीने के लिए देता है। कैंग वैसा ही करता है। वो जब ड्रिंक पी लेता है तो वो जल्दी से ड्रिंक को लेके उसका ढक्कन बंद कर देता है और वो फिर ड्रिंक को मिक्स करता है। फिर कैंग से बोलता है कि इसमें मैंने तुम्हारी सांसें बंद कर ली है, नॉर्मली जब भी हम पानी पीते हैं और बॉटल खाली होता है तो उस जगह को एयर रिप्लेस कर देती है, इस तरह से जब तुम ड्रिंक कर रहे थे तो अपने मुंह से सांस ले रहे थे और तुम्हारी सांसें इस बॉटल में चली गई, इसलिए मैंने इन्हें कैद कर लिया। फिर वो उस ड्रिंक को पीता है और बोलता है कि वाह कितना रिफ्रेशिंग है, अब भले ही तुम यहाँ पर नहीं रहोगे पर मैंने तुम्हारी सांसों को अपने जिस्म में कैद कर लिया है, इससे मुझे हेल्प होगी, मैं थोड़ा सा कम मिस करूंगा तुम्हें। नेक्स्ट सीन में हम सोन को देखते हैं जो कि अपने स्टूडियो में वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो पहुंच जाता है और वो शोन को डांटने लगता है कि तुम ये जो कर रहे हो ना वो सब बंद कर दो, तुमने वीडियो क्लिप रिमूव करने वाली बात कैंग को क्यों बताई, तुम्हें पता भी है वो कितना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, तुमने उसे क्यों परेशान किया। तो शोन उससे बोलता है कि सिर्फ वही नहीं बाकी सब भी परेशान है, हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो, इसलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे भले के लिए ये सब बोला है क्योंकि अभी तुम जो जिद पे अड़े हुए हो और जो कर रहे हो उससे तुम्हारा पूरा ड्रीम रुइन हो जाएगा। तो मो उससे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम और मॉम बेकार में ही ये सारी बातें सोच रहे हो और अगर मैं लोगों से झूठ बोलूंगा कि मैं किसी को डेट नहीं कर रहा तो आखिरकार एक ना एक दिन उनको सच पता चल ही जाएगा कि मैंने झूठ बोला था। तो शोन उससे बोलता है कि हम तुम्हें झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम जो ये अभी अनाउंस करते फिर रहे हो वो सब मत करो। वो जब अपने घर आ जाता है तो वो शोन की कही हुई बात को ही सोच रहा होता है कि वो अपने पर्सनल लाइफ की चीजों को ऐसे सोशल मीडिया पे अनाउंस ना करता फिर। यहाँ पर वो कैंग के बारे में एक नई वीडियो पोस्ट कर देता है और बोलता है कि अनाउंस करना इसे कहते हैं। इधर कैंग जब अपने घर वापस आता है तो नेथ उसे टीज करते हुए बोलती है कि तो बताओ कैसी रही तुम्हारी पर्सनल लाइफ, सर मुझे भी तो बताओ क्या क्या हुआ। तो कैंग उससे बोलते है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुम चुपचाप जाके अपने घर सो जाओ। उसी वक्त कैंग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो फोन चेक करता है तो देखता है कि मो ने एक नई वीडियो पोस्ट की है जो कि उसके बारे में ही होता है और उसमें उसने लिटरली ये अनाउंस किया होता है कि कैंग उसका बॉयफ्रेंड है। वीडियो देखते ही कैंग एकदम शॉक्ड हो जाता है, वो जल्दी से मो को कॉल करने लगता है। जब वो मो को कॉल कर रहा होता है तो मो बार बार उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दे रहा होता है। फिर बाद में वो खुद ही उसे वीडियो कॉल करता है। तो कैंग उसे पूछता है कि वो उसका कॉल क्यों काट रहा था। तो मो उससे बोलता है कि कैंग शांत हो जाओ ना, अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल इसलिए किया है ना क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो है ना।
तो कैंग उससे बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि क्लिप डिलीट कर देना, पर तुमने उसकी जगह पर एक नया वीडियो क्लिप अपलोड कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? तो मो उससे बोलता है कि क्योंकि मैं पूरी दुनिया को प्राउडली बताना चाहता था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अच्छा ये बताओ, ये जानकर तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें खुशी हुई? अगर तुम कॉल पर बताने में शर्मा रहे हो तो यहाँ पर आ जाओ, धीरे से मेरे कानों में बता देना। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। यहाँ पर वो एक बहुत ही क्रेजी सा एक्ट करता है। वो अपने छत पर जाता है और स्टैंड में अपना मोबाइल लगाकर पूरे दुनिया के सामने चिल्लाकर ये अनाउंस करता है कि वो कैंग से प्यार करता है। वो बार बार चिल्लाकर बोल रहा होता है कि सुना बैंकॉक वालों, मैं कैंग से प्यार करता हूँ, कैंग मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये सुनकर कैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है।